powered by Paneshahi, co-presented by Metashi LED TVs, associate sponsors Whirlpool, Mahagun, Hero Splendor iSmart, CP Plus, Total Quartz and New Feel. नमस्कार, आप देख रहे हैं रन झमाझम। मैं हूं राजीव मिश्रा, विनोद कामली हमारे साथ हैं, राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच स्टूडियो में हैं और रितेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ेंगे। इन सभी से हम बात करेंगे कि विराट कोहली को गुस्से को आखिर मीडिया में इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, क्यों उनको ये कहा जाता है कि अगर वो अपना गुस्सा छोड़ दें तो उनके खेल और उनकी कप्तानी में और निखार आ जाएगा, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे। बहरहाल, जिस डॉक्टर के बयान को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे उससे बड़ा डॉक्टर इस समय मैदान पर पहुंच चुका है जी। हम बात कर रहे हैं अनुष्का शर्मा की। बीच बारिश में जब मैदान पर खेल रुका तो उसके बाद अनुष्का विराट के पास किस तरह से पहुंची और किस तरह से वो उनको समझाती नजर आई। और राजकुमार जी, ये दृश्य अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है, मैं इसमें कुछ पूछूंगा नहीं, सीधे टिप्पणी आपसे ही ले लेता हूं। नहीं देखिए, वो कुछ शायद कुछ शेयर कर रहे हैं आपस में और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है राजकुमार जी, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, मैं भी कर रहा हूँ कि वो ठीक है, रिलैक्स कर रहे हैं और वो कुछ वो शायद समझाना चाह रही हैं और वो उन्होंने बहुत आराम से सुना है। क्या राज जी, क्या बताओ। एक बार मैं चाहूंगा जरा अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा वो तस्वीरें दोबारा से दिखाएं, क्योंकि विनोद कामली को भी वो तस्वीरें बहुत अच्छी लगी और हम चाहते हैं विनोद भी कुछ कहें उस पर। क्या तस्वीर है विनोद, वाकई मतलब ये दिखाता है कि जो जो कुछ विराट कोहली के बारे में कहा जाता है वो चाहे गुस्सा हो या प्यार हो, दिखाते हैं वो पूरी तरह से। नहीं, वो गुस्सा तो बता दे ऑन द फील्ड, लेकिन ऑफ द फील्ड ये देखो ये नजारा, वाह क्या नजारा है यार, ये प्यार यार, हमको कभी ऐसा मौका नहीं मिला राजीव यार। हमारी गर्लफ्रेंड हमारी वाइफ को ऐसे अलाउड नहीं किया था, लेकिन मैं कहूंगा ये प्यार सचमुच ये प्यार देखने लायक है। और जिस तरह से अभी अभी अनुष्का ने कहा होगा, क्योंकि मैं कहूंगा कि बैंगलोर को कोई कोच नहीं है, लेकिन मेन कोच अनुष्का है, वहां पर उसको जाके बता दे कान में आगे कुछ कहना। और रितेंद्र, आप भी भले ही तस्वीरें ना देख पा रहे हो लेकिन मन डोल रहा होगा आपका भी। वो एक बहुत पुरानी सेइंग है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये नोशन बहुत अच्छे से डिफाइन हो रही है और अच्छी बात भी है राजीव, क्योंकि बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं अनुष्का वहां पे क्यों है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं दावे से कि विराट कोहली की जो मोटिवेशन है वो जरूर इंप्रूव हो रही है अनुष्का के होने से। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जो बार बार हम बात गुस्से की करते हैं, गुस्से की हम चर्चा तो आगे करेंगे, लेकिन जो विराट कोहली के व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, बहुत खुली किताब की तरह है वो, चाहे उनके नेचर की बात करें, उनकी बल्लेबाजी की बात करें या अपने प्यार के इजहार की, उनको पता है कि कैमरे लगे हुए हैं, 25-30 कैमरे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो विराट जब भी ब्रेक होता है वो गए अनुष्का के पास, उन्होंने उनसे बातचीत की और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश भी की वहां पे। देखिए राजीव, विराट उस तरह का व्यक्तित्व है कि वो अपना सब कुछ जो अंदर है वही बाहर भी प्रकट करते हैं और कभी ऐसा नहीं होता कि वो कुछ हाइड करना चाहते हो कि मैं ऐसा बाहर कुछ चेहरा बना के दिखाऊं और अंदर से उन्हें गुस्सा हो, या तो वो इमोशंस अपनी एक्सप्रेस करते हैं, काफी इमोशनल हैं वो, और इसमें मुझे नहीं कोई बुराई लगती कि अगर वो अपनी इमोशंस दिखाते हैं, अगर वो एग्रेसिव होते हैं तो उनका गुस्सा भी दिखने में आता है, और अगर वो नॉर्मल है या अगर वो चाहते हैं कि अगर दुनिया देखे, उन्होंने बीसीसीआई से मिशन लेके अनुष्का को इंग्लैंड में अपने होटल में रखा, तो वो इतने गट्स हैं उनमें कि वो बीसीसीआई के पास गए, उनसे उन्होंने एप्लीकेशन देकर उनसे बोला कि आई वांट टू कीप हर इन माय होटल, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। राजी एक सवाल पर्सनल है, मैं जैसे इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अनुष्का के ऊपर भी गुस्सा होता है? ये मैंने होते हुए नहीं देखा विनोद, मैं सही बोलूं, मैंने उसको उनके साथ गुस्सा होते हुए नहीं देखा अभी तक, जब भी देखा है अच्छी खुशी में ही देखा है। और रितेंद्र आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं राजकुमार जी। जी रितेंद्र। हाँ राजकुमार सर, राजकुमार सर, एक तो जब आप हंसते हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगते हैं हमेशा हंसते रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं अनुष्का की इतनी बात हो रही है, मोटिवेशन भी है विराट कोहली के लिए, और विराट कोहली ने जग जाहिर भी कर दिया है कि अनुष्का और उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन अब ये जो बैंड बाजा जो होता है, जो शादी होती है, ये कब होने वाली है? रितेंद्र बस आप इंतजार कीजिए, जल्दी आपको खुशखबरी नहीं। रितेंद्र आप हरभजन की कराइए, विराट की बात हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, आप हरभजन की कराइए, युवराज की कराइए, विराट की हम लोग करवा देंगे। चलिए बहरहाल, प्यार पर हमने बहुत चर्चा कर ली, अब हम बात उस गुस्से की कर लेते हैं जिसकी वजह से विराट कोहली पूरे आईपीएल सीजन 8 में सुर्खियों में रहे, क्योंकि विराट के बारे में जिस तरह से राजकुमार जी ने कहा खुली किताब की तरह, उनका गुस्सा भी आपको दिखेगा, उनका प्यार भी दिखेगा, लेकिन सवाल बड़ा वही है कि क्या गुस्सा उनके कप्तानी के करियर पर असर डाल सकता है, क्या कुछ है इस गुस्से की असली वजह, वो देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में।
कवर के फील्डर के पास। विराट कोहली एक बेहतरीन बल्लेबाज। टेस्ट टीम के जिम्मेदार कप्तान। बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स के चैंपियन बनने की सबसे बड़ी उम्मीद। सेलिब्रेशंस ऑल अराउंड द कोहली एंड को। विराट में काबिलियत की कोई कमी नहीं, लेकिन उनका गुस्सा उनकी हर अच्छाई पर हावी हो जाता है। कोहली लाखों करोड़ों फैंस के आदर्श हैं, और अब विराट जैसा बनने के लिए उनके गुस्से को अपनाया जाने लगा है। ये देखिए हैदराबाद के खिलाफ मैच में कैसे कार्तिक अंपायर से उलझे हुए हैं, जिसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मैच रेफरी ने दिनेश कार्तिक पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगा दिया। मैच रेफरी के इस फैसले के बाद ही कोहली पर सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि जो गलती दिनेश कार्तिक ने की उसकी शुरुआत दरअसल विराट ने ही की थी। द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सबसे पहले कोहली ने ही अंपायर से बहस शुरू की थी और फिर वो गाली देते हुए मैदान से बाहर निकल गए थे। आपको बता दें कि कप्तान के पास अंपायर से शिकायत दर्ज करने का अधिकार होता है, लेकिन गाली देते हुए अपनी शिकायत दर्ज कोई नहीं कर सकता। कार्तिक पर तो जुर्माना लगा दिया गया, लेकिन क्या मैच रेफरी को कोहली की गाली नजर नहीं आई? कोहली के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या कोहली के कद के आगे रेफरी दबाव में आ गए? कोहली बेंगलुरु टीम के कप्तान है, खिलाड़ियों की जिम्मेदारी उन पर है। विराट को अंपायर से कार्तिक को अलग कर देना चाहिए था, लेकिन कोहली अंपायर पर भड़क कर पहले ही मैदान छोड़कर चले गए। मशहूर खेल मनोचिकित्सक बीपी बाम के मुताबिक कोहली को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए, वरना उनका गुस्सा उनके कैरियर पर हावी हो जाएगा। बीपी बाम के पास सचिन और राहुल द्रविड़ जाते थे, लेकिन उनकी वजह गुस्सा नहीं थी। जाहिर है हर बात पर कोहली का गुस्सा करना, आईपीएल में उनकी गलतियों का नजरअंदाज कर दिया जाना टीम इंडिया के लिए ही मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि कोहली आने वाले कल की वो रोशनी है जिस पर अंधेरे की चादर गिरते कोई नहीं देखना चाहेगा। इंडिया न्यूज। विनोद, बहुत पहले आपको याद होगा बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी नसीरुद्दीन शाह को लेकर के, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, और जिस तरह से विराट कोहली का गुस्सा इन दोनों चर्चे में, कहीं ये ना फिल्म बन जाए कि विराट कोहली को गुस्सा क्यों आता है। बहरहाल हम उनके गुस्से पे चर्चा करेंगे, और विनोद बार बार हम विराट के गुस्से की बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। आपको लग रहा है उन्होंने खुद भी कहा है कि वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, क्या उम्र के हिसाब से उनके अंदर वो चेंज आएगा या वो चेंज की जरूरत नहीं है? जिस तरह के विराट कोहली है ठीक वैसे ही मैदान पे चाहिए आपको? मैं राजीव साक्षी एज अ वेल विशर करके उनसे मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि वो थोड़ा अपना अपने आप को कंट्रोल करे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारी भी पड़ सकता है। कई मैच रेफरी कोई ऐसा निकल के आए तो उनको बैन कर दे या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो मैं इतना ही कहूंगा कि इतना बढ़िया करियर है उनके पास, इतना लॉन्ग करियर है उनके पास, तो मैं नहीं चाहता हूं कि करियर शॉर्टकट में हो जाए, क्योंकि अपने आप को थोड़ा काबू रखेंगे तो मैं कहूंगा कि इतना बढ़िया प्लेयर है उनके पास इतना टैलेंट है, तो टैलेंट को मैं इतना कहूंगा कि गुस्से की वजह से बर्बाद ना करें। रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। रितेंद्र, आप मैच रेफरी रहे, दो इंसिडेंट आपको हमने दिखाए। एक इंसिडेंट ये था कि विराट और दिनेश से एम्पायर में झगड़ा हुआ, विराट बच जाते हैं, दिनेश कार्तिक पे सजा होती है। आप मैच रेफरी रहे, क्या विराट को छोड़ते हैं? और नंबर दूसरा सवाल, जिस तरह से विराट कोहली आज बीच मैच में अनुष्का शर्मा से मिलने गए, क्या जो गाइडलाइंस होती है वो इस बात की तरफ इशारा करती है क्या बीच मैच में आप जाके किसी से मिल सकते हैं? वही टफ क्वेश्चन। देखिए, जो आपका पहले सवाल का जवाब है राजीव, उसमें तो मैं यही कहूंगा कि मैच रेफरी पे ऐसा कोई दबाव नहीं होता। बेशक प्लेयर का कद हो, विराट कोहली हो, तेंदुलकर हो, दिनेश कार्तिक हो, वो अकॉर्डिंग टू लॉ जाएंगे और जो जो फाइन बनता है वो जरूर करेंगे, और इसमें अंपायर्स का प्रेरोगेटिव बहुत होता है। अंपायर क्या कहते हैं मैच रेफरी को, विराट के हिसाब से होते हैं ग्राउंड पे, और जैसे
नहीं, ये डिपेंड करता है अभी अंपायर ने उसको कैसे लिया, क्योंकि जो अंपायर जो सीन बताएगा मैच रेफरी को, मैच रेफरी का पहला जो उसका जो ड्यूटी है वो है अंपायर को सुनना। तो और अनुष्का की आपने बात की, मुझे लगता है गाइडलाइंस में आता है क्योंकि वो ब्रेक के दौरान गई थी तो उसमें कोई अर्थ नहीं। चलिए रश्मा जी, गुस्से की बार बार बात होती है विराट कोहली के, आप कोच रहे, आपने बचपन से उसको देखा है, 7 साल 8 साल से वो आपके पास आ रहा है और जिस तरह का डेवलपमेंट आपने देखा है, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि 25-26 साल के एज तक में क्या वो गुस्सा कम हुआ है या थोड़ा सा बढ़ा है, और आने वाले टाइम में जिस तरह से जिम्मेदारियां उन पर जब आएंगी और ज्यादा, क्या ये गुस्सा बहुत कंट्रोल्ड एग्रेशन में बदल जाएगा? नहीं, देखिए नेचुरली वो थोड़ा एग्रेसिव है और कभी कभी वो सीमा भी लांघता है, तो वहां पर उसको कभी कभी कंट्रोल करने की जरूरत होती है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखें तो बहुत कूल है, कभी उसे कोई ऐसा वो नहीं होता, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में कभी कभी एक्साइटेड हो जाता है और वहां उसे संभलने की कभी कभी जरूरत है, लेकिन वो नेचुरली एग्रेसिव है और अगर उसको ये देखा जाए कि नहीं वो बहुत गुस्से वाला है या उसको पिन पॉइंट किया जाए कि उसने आज से 3 साल पहले वहां भी गुस्सा किया था या 2.5 साल पहले वहां पे गुस्सा किया था, तो दैट रॉन्ग। आपका नजरिया क्या है देखने का? अगर मैं कहता हूं सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स में अगर वो शर्ट हिलाई तो मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा एज ए क्रिकेटर, आई विल फील प्राउड कि वो इंडियन और आज अनुष्का से विराट मिले तो आप क्या कहेंगे उस पे? प्राउड फील करेंगे क्या कहेंगे? नहीं, तो मैं जैसे कह रहा हूं, अब उसी चीज को कुछ लोग कहेंगे कि इंडियन कैप्टन ने बदतमीजी की, और मैं कहूंगा सौरव गांगुली ने बहुत बड़ा वो एफर्ट किया था कि वो लॉर्ड्स बालकनी में खड़े होके, तो ये आपका नजरिया भी होता है। तो अगर हम थोड़ा ठंडे दिमाग से उस तरफ देखें कि नहीं वो एक अपकमिंग लड़का है, उम्र अभी उसके साथ है, छोटी उम्र है अभी, और ग्रेजुअली ही विल लर्न। बिल्कुल, और भारतीय क्रिकेट में अक्सर हमने देखा है विनोद की दो तरह के चेहरे नजर आते हैं, एक जो है वो ठीक उसी तरह से मैदान पर नजर आएंगे और कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं। यहाँ पर एक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली डेयर डेविल्स के बीच बहुत अहम मुकाबला चल रहा था, बारिश की वजह से मैच रुका और बीच जब बारिश जब हुई तब आपने एक तस्वीर देखी किस तरह से विराट अनुष्का से मिलने गए, और दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह से क्रिस गेल मजाक मजाक में बैट लेकर युवराज सिंह की तरफ दौड़े। अब इसको हम किस तरह से विनोद देखें, हम बार बात कर रहे थे कि दिखाने के दांत और खाने के और होते हैं, भारतीय क्रिकेट में तो बहुत देखे, लेकिन गेल भी शायद विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों में से जो जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं मैदान पर, लेकिन उसके उल्टे अगर देखें तो एक बनाम 10 नजर आएंगे, क्योंकि 10 खिलाड़ी कम से कम ऐसे होंगे भारतीय टीम में जो दिखाने के दांत और खाने के और होंगे। अरे बहुत सारे हैं, मैं राजीव नाम लूंगा तो सब एक्सपोज हो जाएंगे और खामोखा मेरे सब पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसे है कि ये ड्यूअल पर्सनालिटी होती है, यू नो, दिखाने जैसे आपने कहा कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग, बहुत बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है जो चुपचाप जो भी करना है उनको करना है वो सब चुपचाप करते हैं, लेकिन ऐसे प्लेयर्स है जैसे विराट हो, या अगर एक इंसिडेंट हुआ या मेरे बारे में कुछ कहा जाए तो मैं खुल के करता था, मैं बिंदास करता था। क्या क्या खुल के किया विनोद आपने? हाँ, सब कुछ किया है, वो ऑन एयर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो किया है वो किया है, बिंदास किया है, उसमें मुझे कुछ उसमें दर्द नहीं महसूस हो रहा है, और खुल के किया है, क्रिकेट भी एकदम खुल के खेली है और लाइफ भी और जिंदगी भी एकदम खुल के जिए, तो एक किताब मैं जैसे कहूंगा कि मेरी लाइफ एक किताब जैसी है, तो जो बाकी के जो छुपे रुस्तम है, ये छुपे रुस्तम बहुत 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 खतरनाक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक दो तो एग्जांपल दीजिए। चलिए, और एक छुपे रुस्तम हमारे साथ है रितेंद्र सोढ़ी, जो बहुत महीन तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले उस अहम मुकाबले में बात कर लेते हैं जो अब से कुछ ही देर बाद मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा, क्योंकि ये मुकाबला ये तय करेगा कि टॉप 4 में कौन सी टीम जगह बनाने में कामयाब रहती है। हैदराबाद बनाम मुंबई, आईपीएल सीजन 8 का आखिरी लीग मैच, लेकिन यह आखिरी मुकाबला भी बेहद रोमांचक होने वाला है, और क्या खूब शुरुआत की यहां, क्योंकि आज जीतने वाली टीम को अगले दौर यानी प्लेऑफ में जाने का टिकट मिलेगा। आज रात 8 बजे हैदराबाद सनराइजर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। हैदराबाद और मुंबई दोनों के 14-14 अंक हैं, ऐसे में जीतने वाली टीम के 16 अंक हो जाएंगे। मुंबई और हैदराबाद दोनों के पास अपनी लाइफलाइन बढ़ाने का आखिरी मौका है। जीतने वाली टीम खिताब की ओर बढ़ेगी, जबकि हारने वाली टीम एक साल तक मलाल ही करती रहेगी। आईपीएल 8 में अब दोनों टीमों का प्रदर्शन देखिए। सीजन 8 में हैदराबाद ने 13 मैचों में 7 में जीत दर्ज की और 6 में उसे हार मिली, वहीं मुंबई का स्कोर कार्ड भी ऐसा ही है।
केकेआर को हराने के साथ ही मुंबई ने अपनी उम्मीदें कायम रखी हैं, तो वहीं बेंगलोर से हारने के बाद अब सनराइजर्स के पास आखिरी मौका है। सीजन 8 में हैदराबाद और मुंबई के बीच एक बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें मुंबई ने जीत दर्ज की थी। जाहिर है इस मैच में न आंकड़े साथ देंगे न इतिहास जीत दिला पाएगा, क्योंकि आखिरी मौका है खेलने का, चैंपियन बनने की उम्मीदों को बरकरार रखने का। और आसान सा कैच दे बैठे। अंकन कर, इंडिया न्यूज। जीत लिया मुंबई इंडियंस ने। तो पोलार्ड का जश्न अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मुंबई इंडियंस को जीतना जरूरी है। विनोद ने नीली जर्सी भी पहन ली है। छोटा ब्रेक लेते हैं। और डाई की सिचुएशन में है इस समय हैदराबाद और मुंबई दोनों ही टीमें, और ऐसे में अगर हम बात विनोद मुंबई इंडियंस की करें, पोलार्ड ने तो बचा लिया था पिछले मैच में, एक उम्मीद भी बनाई थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, बैलेंस की बात करें, कौन सी टीम बेहतर नजर आ रही है आपको? नहीं, मेरे हिसाब से अभी मुंबई इंडियंस ने ऑलरेडी वो लोग ने जो उनका कॉम्बिनेशन था वो लोग ने फिक्स कर दिया है, और वही कॉम्बिनेशन के लिए वो इतना टाइम लग गया, 13 मैचेस लग गए राजीव, लेकिन मैं कहूंगा कि फेवरेट चल रही है। इसलिए लगे कि 13 सपोर्ट स्टाफ बाहर बैठा हुआ है विनोद, तो प्रॉब्लम तो कर गई। वेल सेड। लेकिन मैं इतना कहूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। लोगों को भी यही कहूंगा कि भाई कहीं जाना नहीं, क्योंकि सनराइजर्स टफ देगा, वो भी चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों में से कोई ना कोई पहुंचेगा ये टॉप फोर में, तो मैं चाहूंगा जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। राजकुमार जी, कौन सी टीम फेवरेट है आपकी? नहीं, मुझे मुंबई के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। रितेंद्र, आपके लिए जल्दी से बताइए फटाफट। मुंबई। तो चलिए, आप सभी हमारे खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त